सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। लॉकडाउन का आज टोंक के अंदर पांचवा दिन है और टोंक शहर में न सिर्फ शांति है बल्कि जनता अब पुलिस और प्रशासन की अपील को गंभीरता से लेकर घरों तक रह रही है। बात करते हैं टोंक DSP सौरभ जी तिवारी से, किस तरह का जनता ने रेस्पॉन्स दिया है अब तक? जनता लगभग 70-80% तो जनता मान रही है, इसका पालन कर रही है और जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं वो थोड़ा बहुत निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता के ऊपर अपील का असर हो रहा है और वो लगातार अपील को मानते हुए अपने घरों में है और लॉकडाउन का पूरा असर देखा जा रहा है। कल जुम्मे की नमाज़ होनी है, उसको लेकर पुलिस ने किस तरह की तैयारियाँ की, किस तरह सोशल लोगों से जो है बात की जा रही है? जुम्मे की नमाज़ को लेकर हमने जो मुस्लिम उलेमा हैं और मौलवी हैं, इमाम हैं, उनसे सबसे वार्ता की है और जो मेन मौलवी सैयद हैं इमाम साहब काफला के, उनसे भी अभी वार्ता की है। तो उन्होंने ये आम लोगों से अपील की है कि जुम्मे की नमाज़ करने के लिए मस्जिदों पर नहीं जाएं और अपने घर में ही जोहर की नमाज़ पढ़ें तो उसका फ़ायदा उतना ही होगा जितना जुम्मे की नमाज़ का है। तो इस अपील को अभी हम सर्कुलेट करवा रहे हैं और मीडिया बंधुओं से भी अपील करता हूँ कि ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करवाएं अपने ग्रुप्स में और चैनल्स पे, ताकि लोग जुम्मे की नमाज़ के लिए मस्जिदों में नहीं जाएं और लॉकडाउन का पालन करें। मौलवी सईद साहब से आपकी बात हुई है, मौलवी सईद साहब ने जनता से अपील की है कि लोग अपने घरों तक नमाज अदा करें, प्रशासन और पुलिस की तरफ से किस तरह के इंतजाम कल होने वाली नमाजों को लेकर किए जाएंगे और किस तरह के मस्जिद से कोई ऐलान करवाने की कोई बात आई है सामने? हाँ, मौलवी साहब आज शाम को जुम्मे की नमाज से पहले काफला मस्जिद में सभी जो मौलवी इकट्ठे होंगे और लगभग जो मौजूद व्यक्ति हैं वो इकट्ठे होंगे, ये 10-20 संख्या में है, और ये वहाँ से ऐलान करेंगे सभी मस्जिदों में कि अपने जुम्मे की नमाज है वो मस्जिदों में नहीं जाके घरों में रहें। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने जो संवेदनशील मस्जिदें हैं जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हम वहाँ जाप्ता तैनाती सुनिश्चित कर रहे हैं, अभी लिस्टिंग कर रहे हैं उनकी और वहाँ जाप्ता लगाएंगे जिससे लोगों को कटेल किया जाएगा, लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे। लॉकडाउन, कोरोना से लड़ाई, पुलिस एक नए रोल में नज़र आने लगी, आप खुद जो है सोशल सर्विस भी कर रहे हैं पुलिस सर्विस के साथ, सोशल डिस्टेंस की जो बात की गई है क्योंकि अब एक नई जिम्मेदारी आई है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखे जाए, इसके लिए क्या प्रयास आपने भी किए हैं और जनता क्या प्रयास करे? अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने जगह जगह मार्क चिन्ह बनाए हैं जहां लोग अपना जो डिस्टेंस का एक पैरामीटर है उसको फॉलो करने के लिए मार्क निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा हमने मस्जिद हैं, मंदिर हैं, उनके आगे जाप्ता तैनात किया है ताकि लोगों को वहां से समझाइश की जा सके, और पूर्णतः लॉकडाउन के लिए हमने जगह जगह बल्लियाँ बैरिकेड्स यूज़ किए हैं और पुलिस फोर्स लगाई है ताकि लोग अपने घरों से नहीं निकले, केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही केवल एक व्यक्ति घर से निकले और जब भी जरूरत हो उतना सामान वो खरीद सके। जिन लोगों ने पुलिस और लॉकडाउन के नियमों की पालना की है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे टोंक की जनता को? उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरह वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें ताकि अपने टोंक शहर में और टोंक ज़िले में जो संक्रमण का प्रभाव है उसको कम कर सकें। और अभी जैसा कि आप खबरें देख ही रहे हैं जगह जगह पॉजिटिवनेस बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जनता से अपील है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ऐसे लोग जो अब भी नहीं मान रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए सख्ती कार्रवाई बिल्कुल जारी है, आप सुबह से देख रहे हैं लगभग 100 मोटरसाइकिल हमने जब्त कर दी हैं, चालान किए जा रहे हैं और जो लोग नहीं मान रहे बार बार उनको 151 में भी बंद किया आज। ये हैं सौरभ तिवारी साहब जिनका कहना है कि लॉकडाउन की पालना जो लोग कर रहे हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और जो लोग अब इसकी पालना नहीं करेंगे पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। टोंक के अंदर अगर खास तौर से टोंक की बात की जाए तो टोंक की जनता आभारी है, उन्होंने लॉकडाउन के नियमों की पालना की है, क्योंकि हम भी यही कह रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, देश हमारा है, अपने हमारे जो हैं वो अपने हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स।